अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अच्छी हूँ। सो आज मैं आपके साथ लाई हूँ एक यूनिक सी रेसिपी। सो उसके लिए हमने ले लिया यहाँ पे 1.25 किलो चिकन, बड़ी बड़ी साइज़ में बोटी को रखा है। और ये एक बाटी भर के मैंने फ्रेश क्रीम, एक बाटी हाफ भर के मैंने दही, और ये मगज, तिल और काजू बादाम को मैंने ये इस तरीके से भिगो के रख लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे। और कांदों को मैंने इस तरीके से कट किया है, मैंने बड़ी साइज़ के 3 कांदे लिए, हरी मिर्ची लिए 8 से 12, और कोथमीर को भी बारीक बारीक सा कट कर लिया है। सो लेट्स गो रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं अभी हम। सब में पहले हम मैरिनेट करेंगे चिकन को, तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है पहले, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी कर्ड। तो आप देख सकते हैं ये मेरी दही, मैंने पानी निकला हुआ दही लिया है, घट वाला, एकदम पतला दही नहीं है। और अब मैं ऐड करूँगी इसमें ड्राई पाउडर्स, जैसे कि नमक टेस्ट के अनुसार, हसबे जायका हमें नमक लेना है। और मैं यहाँ पे डालूँगी 1/2 टीस्पून जितना मैं गरम मसाला डालूँगी, आप चाहे तो काली मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं। और ये मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, 3 चम्मच जितना मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर। और अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी, मिक्स करके मैं इन्हें साइड में रखूँगी। अगर आपके पास ब्लैक पेपर हो तो आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो। और अब मैं इन्हें मिक्स कर लूँगी और साइड में रखूँगी। जब तक कि हमारा चिकन मैरिनेट होता है, जब तक हम हमारे ऑनियन वगैरह फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैं कितने अच्छे से इन्हें अपने हाथों से मिक्स कर रही हूँ। आपको चाहिए आप स्पून से भी मिक्स कर सकते हो, बट मैं हाथ से मिक्स करना पसंद करती हूँ। ये आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है। और अब मैं इसे साइड में रखूँगी मैरिनेट होने के लिए। और अभी ये मैं ऑनियंस को फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, ये मैंने गैस पे बड़ा साइज़ का बर्तन रख दिया है, मैं बर्तन को गर्म होने दूँगी, फिर उसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी। आप आपके हिसाब से ऑयल ले सकते हैं, कोई ऑयल कम खाना पसंद करते, कोई ऑयल ज़्यादा खाना पसंद करते। तो मैंने यहाँ पे 1/2 बाटी जितना ऑयल लिया है, जिसमें मैंने दही लिया था वही साइज़ में 1/2 मैंने ऑयल लिया है। अब ऑयल को हम गर्म होने के लिए देंगे। ये साइज़, ये चम्मच के जितना मैंने 3 चम्मच जितना ऑयल लिया है। और ये अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सम खड़े मसाले, जीरा, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, काली मिरी और एक बिरयानी का फूल और 2 से 3 तेज़पत्ते। मैं इन सब को ऑयल में डालूँगी। जब ये तड़क जाएंगे फिर हम इसमें ऑनियन ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं, 1 सेकेंड मैं इसे और फ्राई करूँगी। और अब हम इसमें डालेंगे ऑनियंस। ये आप देख सकते हैं, एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, इसीलिए मैं इसे हाथ से ही डाल रही हूँ। सब में ऐड करूँगी ऑनियंस। ऑनियंस को हम ज़्यादा गोल्डन फ्राई वगैरह नहीं करेंगे, इसे लाइट सा ही रखेंगे, लाइट पिंक होने तक के ही हमें इसे कुक करना है। और अभी मैं इसी टाइम पे मैं जो हमने हरी मिर्ची जो थी उसे बारीक बारीक सा कट किया था, उसे भी ऐड कर लेंगे। और अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और भून लूँगी अच्छी तरीके से, कि ये ट्रांसपेरेंट सा हो जाए, अनियंस अपना पानी छोड़ दें और ये ट्रांसपेरेंट शेप में आ जाए। हमें इसे कुक कर लेना है। और ये आप देख सकते हैं हमारे अनियंस हो चुके हैं ट्रांसपेरेंट, और ये भून भी चुके हैं अच्छी तरीके से।
और ये अब मेरा जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है, अब मैं वो चिकन ऐड करूँगी और अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, अच्छे से भून लूँगी। सो ये आप देख सकते हैं, पहले हमें इन्हें अच्छे से मिक्स करना है। चिकन भी अपना पानी रिलीज़ करेगा तो हमें इसे अच्छे से भून लेना है। जितना अच्छे से हम भूनेंगे उतना हमारी ग्रेवी हमारी बहुत टेस्टी होगी। और आप इसमें, और अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स भिगा के रखे थे अब मैं उसे ग्राइंड कर लूँगी, इसकी एक वाइट प्यूरी बना लूँगी। और आप इसमें पानी की हेल्प से भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं, बट मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। आप दूध का भी यूज़ कर सकते हैं और पानी का भी यूज़ करते हैं, इट्स ऑप्शनल, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से आप कर सकते हैं। आपके पास जब जो अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा। और ये आप देख सकते हैं मैं तिल निकाल निकाल के डाल रही हूँ, तिल से भी बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा और ग्रेवी वाइट वाइट सी बनेगी हमारी, बिकॉज़ इसमें कैश्यू और बादाम भी है और मगज भी है। और अब मैं दूध डाल के इसे ग्राइंड कर लूँगी। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी चिकन भी भून रहा है अच्छे तरीके से। और अभी मुझे इसे और हमें भूनना है। सो मैं यहाँ पे हल्का सा चिकन मसाला ऐड कर रही हूँ। अगर आप ये मटन में बनाएंगे तो आप मटन मसाला डालिए, बहुत हल्का सा हमें ऐड करना है बिकॉज हमारी ग्रेवी का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। और अभी मैं इसे मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। और ये मैंने प्यूरी इसकी बना ली हूँ, इसे एक साइड में हमने निकाल लिया है। और अब मैं ये प्यूरी ऐड करूँगी सब में पहला, और अगेन इसे मिक्स करके अच्छे से भून लूँगी। सो आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी का कलर ऑफ वाइट सा हो गया है, अभी हमें इसे और वाइट सा बनाना है। तो इसमें हम लास्ट में और एक इन्ग्रीडियंट ऐड करेंगे जिसकी मदद से हमारी ग्रेवी में चार चांद लग जाएंगे, उसमें टेस्ट भी बढ़ जाएगा। सो अभी मैं पहले इसे ऐसे ही कुक कर लूँगी। और इस स्टेज पे आप इसमें नमक मिर्ची वगैरह चेक कर सकते हो। और ये जो एक्स्ट्रा जो हमारे पानी था मिक्सर वाटी में से, मैंने वो भी निकाल लिया था। अब मैं इन सब चीज़ों को भूनूंगी आपस में। ये आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छी सी तरी भी आ चुकी है, हमारे मसाले आपस में भून चुके हैं। और अब मैं इसे मिक्स करूँगी ताकि ये नीचे चिपके ना, लगे ना। सो ये आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आने शुरू हो चुके हैं और साइड साइड में तरी सी भी बन रही है, तरी भी आ रही है। और अब मैं इसे कंटिन्यू मिक्स कर रही हूँ थोड़े थोड़े टाइम में ताकि ये नीचे से लगे ना, बिकॉज काजू बादाम की प्यूरी है इसमें तो ये नीचे चिपकेगा। और आप इसकी थिकनेस भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको इसे और पतला करना है तो आप पतला कर सकते हो, गाढ़ा करना है तो आप गाढ़ा भी कर सकते हो। सो अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश क्रीम। सो यहाँ पर ये मैंने एक कप भर के, वाटी भर के मैंने फ्रेश क्रीम ली हूँ। सो ये आप देख सकते हैं फ्रेश क्रीम से इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा और ये ग्रेवी और खूबसूरत सी बनेगी। और अब मैं इन सब को मिक्स करूँगी। आप ये देख सकते हैं मेरी ग्रेवी का कलर और सफ़ेद हो गया है, यानी कि ये हमारी वाइट ग्रेवी बिल्कुल लग रही है। और
लिए मैं फ्रेश क्रीम की बाटी में वापस गरम गरम प्यूरी डाल रही हूँ ताकि वो जो लगा हुआ क्रीम है वो भी निकल जाए। कुछ भी एक्सेस उसमें बचे ना। और अब मैं लास्ट में इस पर ऊपर से डालूँगी कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हमें डालना ही डालना लाजमी है, वो ऑप्शनल नहीं है। सो लास्ट में मैं ऊपर से कस्तूरी मेथी डालूँगी। सो आप कस्तूरी मेथी को हल्का सा गर्म करके उसको क्रश करके भी डाल सकते हो और डायरेक्ट भी आप डाल सकते हो। सो ये मैं ऊपर से कस्तूरी मेथी डाल दी हूँ। और इसे मिक्स करूँगी। फ्रेश क्रीम डालने के बाद हम ग्रेवी को ज़्यादा पका नहीं सकते बिकॉज क्रीम चिपकने लग जाएगा नीचे। सो आप मेक श्योर रहिएगा कि आपको अगर भूनना है या पकाना है तो फ्रेश क्रीम डालने से पहले ही आपको भून लेना है, अच्छे से कुक कर लेना है। बाद में आप 2 से 3 मिनट ही गैस को चला सकते हो क्रीम डालने के बाद। सो अब मैं ऊपर से गार्निश करूँगी कोथमीर से और फिर हमारी वाइट क्रीम क्रीमी चिकन बनके रेडी हो जाएगा। वाइट सॉस चिकन, वॉट एवर वी कॉल्ड। सो ये आप देख सकते हो मेरी हर रेसिपी में कोथमीर बहुत इम्पोर्टेंट होती है बिकॉज आई लव कोथमीर। और मैं ऊपर से कोथमीर डाल रही हूँ। और ये आप देख सकते हैं हमारी रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड माई रेसिपी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। और बने रहे मेरे चैनल पे इसी तरीके की न्यू रेसिपीज़ के लिए और न्यू ट्रिक्स के लिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आप देखते रहिए मेरी क्रीमी सॉस रेसिपी। सो मैंने लास्ट में गैस को बंद करके इसे ढक दिया था थोड़ी देर सेट होने के बाद। ये आप देख सकते हो ये कितनी खूबसूरत लग रही थी, इसकी तरी भी ऊपर आ चुकी थी। और ये हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है, रेडी टू सर्व।